आओ जी जी आया नू फरीद वर्क चैनल ते तुहाडा सब दा स्वागत आ दोस्तों। अज आपां बनाउण लगे आ देसी गीजर, जिवें गैस वाले गीजर हुंदे आ बिजली वाले गीजर हुंदे आ, ये देसी गीजर आ। तुसीं वेख्या ही होऊगा कि जिवें आपां ने अपने घरां दे विचों इस चीज़ की वरतों हुंदी आ, जिवें मतलब फालतू चीज़ां जिवें कपड़ा मोमी कागज लकड़ां दी वरतों इस गीजर दे विच हुंदी आ। ते ये आपां देसी गीजर तैयार करन लगे हाँ। देसी गीजर तैयार भी करदे हाँ, नाल नाल तुहानूं जानकारी भी दिंदे हाँ देसी गीजर किस किस तरह ये तैयार हुंदा ते किहड़ी चीज़ की वरतों इस विच कीती जांदी आ। जे आपां मुल जे तुसीं मुल भी लैणा दोस्तो तां इन्हां चीज़ां दा ध्यान रख के तुसीं देसी गीजर खरीद सकते हैं। वो गल्लां मैं तुहानूं सारियां दसूँगा। ये वीडियो मिस्त्री भाईचारे वास्ते कारीगर वास्ते भी बहुत वधिया। आ जाओ हुण आपां नाल नाल आपां करदे हां गल्लबात, नाल नाल आपां तुहानूं दिंदे हां सारी जानकारी। जो आपां ये चादर की कटाई की जी, ये लंबी चादर यानी ये 40 इंच लंबी है, 25 इंच उच्ची है। फिर सुन लो, 40 इंच लंबाई चा 25 इंच ऊंचाई चा ये चादर की कटाई, मतलब चादर का ये पीस। ये चादर जो आप गोल कर लगे, ये चादर हैगी 16 गेज के 16 गेज यानी मोटी। हुण तुसीं मेरी गलबात सारी समझ ही ली होनी है ना। ये नाल नाल चादर गोल हो जाती है, नाल नाल तुहानूं मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी दिंदा गीजर बनाउणा जां बनवाउणा, इन्हां चीज़ां दा खास ध्यान रखो। हुण ये चादर अपनी गोल हो चुकी है, चादर का रोल गोल हो गया। हुण ये चादर की मतलब मन के गलाई 12.5 इंच दे तकरीबन गलाई 13 तो 12 तो आसे पासे रहेगी। हुण मतलब आ निक्के रोल तैयार हो गए। जो निक्के रोल की लंबाई आ, ये निक्के रोल की लंबाई आ जो विच पैप विचला इफेक्ट हुंदा सेंटर दे विच, इहदी जिहड़ी चौड़ाई आ 22 इंच, उचाई उही 25 इंच, ये भी दोस्तों 16 गेज दे विच आ। ये आपां गीजर यानी साई ते बनाउण लगे हैं, क्योंकि अपने कोल इन्ना बहुता समा नहीं हुंदा, बाबे नानक की कृपा फुल कि अपना जो काम है, जो अपना काम है स्टील लाइन का, जिमें स्टील के गेट आपां तुसीं पिछलियां वीडियो के वेख्या ही होगा कि स्टील के गेट बनाने आपां प्रोफाइल शीट गेट बनाने या फंडरमैक्स शीट गेट बनाने, अपना गेट ग्रिलों का स्टील का काम ना लोहे का भी करते हैं। ये आपां यानी दोस्त मित्र ही कह गए अपन यार टेंकियां दो तैयार करके दे। पहला जाने अज तो 5 साल पहले आप वाधू जानी टेंकियां तैयार करते थे, पानी वाले गीजर वाधू बनाते थे। हुण मैं कहा यार क्यों ना अपना चैनल बनया है ना, तो आप गीजर तैयार करते हैं तो नाल नाल थोड़ी थोड़ी जानकारी दें। जे मान लो किसी ने बनवाना भी है वो वास्ते भी ठीक है, तो जे किसी ने मिस्त्री भाईचारे ने साढ़े ने बनाना तो पहले नहीं बनाए वो भी ये वीडियो देख सकता, इस दे विच कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा। मान के चलो जिहड़ा अपना मित्र मिस्त्री भाईचारा ही कारीगर गीजर पहले बनाते हैं वो अपने सुझा जरूर दियो कि तुसीं भी इस ढंग दे नाल बनाउने आ गीजर। हुण आपां ये उही मतलब बाहरली साइड की चादर इहनूं कच्चे टांके ला के यानी सीधी यानी गुणिए दे विच खड़ गई है। इदू बाद इन्हां नूं लगणगियां लेड़ां, लेड़ां मतलब जान टका के धरनी पैंदी है मार के। आ हुण तुसीं देख सकदे हां ग्राइंडर मारन दा मतलब ये आ वी जो ये चादर की पालश उपरों लै जांदी आ इहनूं लेड़ बहुत वधिया सोहणी लगदी आ, चोरी नहीं रहिंदी। जे सूरी नहीं रही तो अपनी टेंकी जो 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 जोड़ आ यह सौदा नहीं था।
हुण जे तुसीं गीजरा आपां मुल लैण जांदे हां बाज़ार तों, उह गीजर आपां नूं तकरीबन जिहड़ा ओह जमां हल्का 1500 रुपये दा 1400-1500 दा शुरू हो जांदा, क्योंकि बंदे दा आपो अपना बजट हुंदा। कोई बंदा 35,000 वाली लैण वाला हुंदा, कोई बंदा 2000 वाली लैण वाला हुंदा, कोई बंदा 1500 वाली लैण वाला हुंदा। कहण दा भाव की आ, जिहो जिहा आपां गुड़ पा देंगे वह जो दुध में यानी जिम्मे सियाने कह देंगे मिठा हो जाता। ये जो आप टेंकियां बनाने लग गए यानी पूरी हैवी टेंकी आ, पानी वाला गीजर पूरा हैवी आ। 5 साल की तो साढ़े वालों यदि गरंटी दिखती जाती है, जो यदा कोई जोड़ लीक कर दे जा थला लीक कर दे, 5 साल की गरंटी आ। तो तकरीबन मन के चलो 7-8 साल ये गीजर जो थोड़ी कमाई है तो कित नहीं जाता। सियाने दोस्तों कहेंदे भी महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे वार वार, कि चीज़ बनाओ वधिया बनवाओ ता जो चंगी लाइफ हो, चंगा कमाओ चले मनिया। हम की होंगा भी आप 1500-2000 वाला गीजर लगा तो तकरीबन वो मनियाद वक्त तो वक्त साल हद 2 साल, तीजे साल जानी अपन फिर 2000 रुपया लाना पैदा। ये जो आप गीजर तैयार कर लगे हैं, इस गीजर का जो थला भीड़ला थला वो थला सैडा वाली चादर अपनी 16 गेज आ, यानी चंगी चादर वधिया है गेस्ट जो थला सी 12 गेज जो कढ़ा गए बना। थला लाने का मतलब की है जो भी गीजर कर दें थले तो जानी ये जाता थला गल जाता नाल नाल थले थला गलन के नाल गीजर बेकार हो जाता। हम जो मान के चलो भी एक बार थला गल गया दूजी बारी वो थला लाने वह 1000-1200 रुपया थला लाने का साढ़े कारीगर मिस्त्री ले लेंगे। तो इस करके टेंकी छोटी हो जाती थला लाने के नाल। हूँ आप थले वाली कटाइया कर लगे चादर दियाँ उपर लैठ का थला जो लगता आ जी मैं तुम दस के आ गया जो ये चादर है, ये चादर 12 गेज मोटी है स्पैशल जानी थले वास्ते लियांदी है ता जो इसकी मजबूती हो सके। हुण तुसीं मनना नहीं थले की चादर 7 किलो 700 ग्राम की ये चादर होगी पूरे बच्चों की आ भी आ सैड तो लैनी थोड़ी जी 5 इंच चौड़ी पट्टी नाल वध गई है कि 5 किलो जानी चादर थले दी होई है थले 2 किलो जो कट्टी गई ना 5.5 किलो तो थले चादर यानी इन्नी मजबूती दी होंगी है। हुण इह आपां जिन्नियां कर लिया जानी इहनूं वी सेंटर मंच ला ले इस बाद प्रकार के नाम लिखा थले उपरले थले है उपरले नुकसान थोड़ा घट हों अपने 16 गेज ही है भीड़ के थले जो ये है अपने 12 गेज है मोटी चादर के आप कह सकते हैं भी ये 1 इंची का यानी चौथा हिस्सा चादर मोटी है। बाकी जो वीडियो चंगी लगी शेयर करो लाइक करो क्योंकि आप गीजर बने बनाए जरूर वेखे पर बनते नहीं वेखे। ये यूट्यूब पर तुम पहली वीडियो दिखाने लगे हैं, मैं क्या यार अपना निका जहा पराला किसी वीर भैन भरा का भला हो जूगा। तो आने जे सियाने केंद्र जिन्ना गुण मंडांगे ज्ञान मंडांगे उन्ना ज्ञान दे विच वाधा हुंदा उन्ना सीखण नूं कोई ना कोई जरूर मिलदा। तो मैं तो एक गल जानदा यार आपां ना वी जे साडे मिस्त्री भाईचारे आ ना काम कोई भी करदे आ तुसीं जे तुहानूं किसी चीज़ बारे कोई पता भी
आप मान के चलो मैनू मेरे काम बारे पता तो मैनू मेरे नाल दे गुआंढी नू उहदे बारे जानकारी है नहीं उन्हूं नॉलेज है नहीं जिवें टैंकी दा काम आ जां स्टील दा काम आ जां कोई लोहे दा काम आ जे तुहानूं कोई पुछदा तां उहनूं दस दिया करो यार अपने दसण दे नाल ना जे किसी का भला हो जी तां उह तों वड्डा कोई भला नहीं गा आ हुण अपना विचला उपरला कड़ा लग गया तो विचला कड़ा पहला फिट हो गया सीगा टैंकी दा यानी हौली हौली नाल नाल तैयार हो जाती है नाल नाल तुहानूं दिंदे थोड़ी थोड़ी जानकारी बाकी अपने उपचार भी जरूर दसो वीडियो शेयर कराया करो वीडियो नूं सारी वेख्या करो तां जो किसी का भला हो सके डरो उस परमात्मा तो कि जे कोई अपनी टैंकी बन के तैयार हो चुकी है तो साइडा वाली इंगल लग गई वो जो अपन पत्तियां लगियां इस जाली खड़ दी जानी जिदे उपर अपना बालन टैकदा बालन लक्कड़ गोहा कागज तो आप कोई भी चीज फालतू चीज घर पई होंगी अग लगन वाली होंगी गत्ता हो गया कपड़ा हो गया पुराना वो ये बस्से भगे नाले तो जिमें पोलीथीन के लिफाफे का बहुत गंद पैंता अच्छा आप देखा ही है तुम जिते मर्जी जाड़ो सड़कों के किनारिया गलियां च रूढ़ियां लगिया हुई आप कह सकते नहर चूहर च इन्ना जानी गंद पिया पोलीथीन लिफाफे जो पोलीथीन लिफाफा अपने घर हर रोज़ सब्जी होंगी है क्योंकि हरेक चीज़ उस लिफाफे ही होंगी है उसनों अग बहुत वधिया पैंदी है तो पूरी मुड़ के सवाह ही बन जाती है ढंग नाले घरों गंद चक्या जाता गंद मुक जाता नाले अपना वातावरण जो वो साफ हो जाता स्वस्थ हो जाता एक लिफाफा फिटने नाल पता नहीं वो किन्ने साल जानी चलता अपना जोड़ा लगना जो तक सिलेंडर कर रहे हैं जो ये तक कोई माड़ी मोटी चोरी हुई तो आप टैक्सा की फिटिंग कर रहे हैं यानी जिन्हें आप अपना वेल्डिंग होया इलैक्ट्रिकल वेल्डिंग होया बिजली वेल्डिंग होया निकल लगते हैं ये निकल लोग अपन गैस वेल्डिंग लाने पैंदे है एक तो गैस वेल्डिंग निकल लाने के नाल सफाई बहुत होंगी है दूजा नंबर ये जोड़ जो लीक नहीं करते बाकी लग बिजली रल ही आते कोई चक्कर नहीं है पर गैस वेल्डिंग लग जो बहुत वो चंगा थोड़ा गैस वेल्डिंग नहीं है पर लाइफ जोड़ा भी चंगी होंगी है तो सफाई भी बहुत होंगी है जो ये आप गीजर तैयार किया ये गीजर यानी पानी की आप गल की कि पानी पीता बच्चे ये पानी तकरीबन ये बच्चे 40 to 45 लीटर पाँह लीटर भी जानी ये कपैसिटी जी पानी पाने की हैगी है जी पानी काफ़ी हूँ अपना गीजर हो चुके तैयार ये आप पानी पा के सारे जोरदार चेक चुके भी ओके रपोटा बाबे नानक जी बाबा नानक सिंह जी बाबा ईश्वर सिंह जी की फुल कृपा तो दिल के कोई बेईमानी नहीं रखी जी काम कर लग गया तो पैसे अपने वधिया ले दिया वीडियो देखने लिए सारे धन्यवाद।